से पुश करना है, ठीक है, ऑटोमेटिकली पुश होगा। अब इसको ग्रिप करेंगे ऑटोमेटिकली ये वाला जो पाइल है सेकंड पाइल वो नीचे गिर जाएगा। सो हे गाइस वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड्स जो कि आप परफॉर्म कर सकते हो विद द डेक ऑफ कार्ड्स, और आपको सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए, आप 100 कार्ड कर सकते हो। आपने बहुत सारे कार्ड्स देखे होंगे जो टेबल पे भी होते हैं, तो आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कार्ड्स परफॉर्म कर सकते हो अपने परफॉर्मेंस में। और भी बहुत सारे कार्ड्स हैं जो कि मैं आपको ओवरहेड व्यू पे दिखाऊंगा। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलते हैं हमारे ओवरहेड व्यू पे और सीखते हैं कि आप कितने सारे टाइप के वेरिएशन कार्ड्स में परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी कार्ड या वेरिएशन पसंद आए और आप चाहते हो मैं उस पर डिटेल वीडियो में बनाऊँ और उसका ट्यूटोरियल वीडियो भी लाऊँ, तो आप मुझे टाइम टाइम नीचे कमेंट में बॉक्स में बता सकते हो। ऑलराइट गाइस, आ गए हम लोग हमारे ओवरहेड व्यू पे, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कार्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं। और उसमें से मैं सिर्फ आपको सिर्फ एक कार्ड सिखाने वाला हूँ जो कि है 100 कार्ड, ठीक है, जो एक हाथ से आप कार्ड परफॉर्म कर सकते हो। इसमें आपको मैं टाइप्स ऑफ कार्ड्स आपको दिखा दूंगा, आपको जो भी पसंद आएगा आप मुझे टाइम स्टैम या फिर आप नाम के हिसाब से आप मेरे को बता सकते हो कि आपको कौन सा कार्ड पसंद आया, और मैं आपको उस पर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मैं आपको आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं हमारा नॉर्मल कार्ड जो कि है टेबल कार्ड, जो कि हर जगह आपको देखने मिलता होगा। ये है नॉर्मल कट, ये बहुत ज़्यादा इजी है, हर कोई कर पाता है, ठीक है। हर शफल के बाद ऑडियंस को कट करने के लिए बोला जाता है, फिर उसके बाद ही डीलिंग स्टार्ट होती है कार्ड्स की, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल कट है, ठीक है, और बहुत सारे लोग हाथ में भी करते हैं जो कि स्विंग कट है, ठीक है, सिंगल कट एंड देयर इज ट्रिपल कट, 1 2 3, ठीक है। तो ये स्विंग कट है, बट इसमें तीन पाइल सेपरेट किया जाता है, सो आप इससे भी ज़्यादा कर सकते हो, आप अगर छोटा लेते जाओ तो इस तरीके से भी कट कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये टेबल कट्स जो बेसिक कट्स हैं ये बताया मैंने। अब थोड़ा एडवांस में जाते हैं, थोड़ा इंटरमीडिएट में जाते हैं, जो कि आज हम लोग सीखने वाले हैं वो है ये वाला कट, सिंगल हैंडेड। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखता है ये, वन हैंडेड कट, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। ये हम सीखने वाले हैं आज इस वीडियो में, तो आगे तक बने रहो हमारे साथ। उसके पहले मैं बाकी के वेरिएशन भी दिखा देता हूँ, जो कि है सीजर कट, एक और टाइप का ये कट है। ये भी अगर आपको सीखना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं इसके लिए डेडिकेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ये सीजर कट, थोड़ा सा ग्रिपिंग में थोड़ा वाइड है, ठीक है, ओके। तो ये रहा सीजर कट। अब आता है एक और कट जो कि थोड़ा सा और एडवांस है, जो कि है रेवोल्यूशन कट, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो थोड़ा सा मैसी हो रहा है क्योंकि मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूँ, मैं इस तरफ नहीं देख रहा हूँ, ओके। तो ये है रेवोल्यूशन कट, ठीक है। तो आप बहुत सारे कट आप देख सकते हो, इंटरनेट पे मौजूद भी है, बट मैं आपके लिए हिंदी में वीडियो बना दूंगा, जिससे कि अगर आपको सीखना हो तो मुझे कमेंट में प्लीज़ बताना, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको ये चीज़ें पसंद आ रही है और आप सीखना भी चाहते हो, ठीक है। तो ये था रेवोल्यूशन कट, और इससे एडवांस भी कट्स होते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो में उतना मैं कवर अप कर पाऊँगा, तो मैं आपको सिर्फ बेसिक जो पहला है 100 कट वो सिखा देता हूँ। तो आपको डेक को कुछ इस ग्रिप में पकड़ना है, तो 2 फिंगर्स आपके यहाँ पे होंगे, 4 फिंगर यहाँ पे, थम यहाँ पे, मिडल रिंग और पिंकी फिंगर यहाँ पे सपोर्ट करेगा कि कार्ड नीचे ना गिरे, ठीक है। और आपको 4 फिंगर फ्री करना है, और जो कि आपके यहाँ पे थम है, तो आपका थम यहाँ पे जो ग्रिप कर रहा है तो इसमें हाफ ग्रिप करेगा ये, और थोड़ा सा जब आप इस तरीके से करेंगे तो जो ग्रिप है थम का वो ऊपर की तरफ ज़्यादा स्पेस पकड़ेगा और नीचे वाला जो ग्रिप है वो छोड़ देगा, ठीक है। तो जैसे ही वो छोड़ेगा तो आधा जो डेक है पाइल वो सेपरेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ग्रेविटी की वजह से वो नीचे गिरेगा, और आपको 4 फिंगर को यूज़ करके पुश करना है, ठीक है, इस तरीके से। थोड़ा सा आपको स्ट्रेस फील होगा आपके हाथ में यहाँ पे, ठीक है, तो स्टार्टिंग हो जाएगा, और आपको हाथ इसी तरह से रखना है जिससे कि ग्रेविटी की वजह से ये जो कार्ड है ऑटोमेटिकली वो नीचे ड्रॉप हो जाए। आपको पुश करते रहना है 4 फिंगर से, तो ये और ऑटोमेटिकली नीचे आपके 4 फिंगर पे गिरेगा। अब आपको इस कार्ड को भी गिरा देना है, ठीक है, और वापस से स्क्वायर अप कर देना है कुछ इस ग्रिप में, ठीक है। ड्रॉप किया, पुश किया, कार्ड्स को गिरने दिया और वापस से रीग्रैप करके उसको स्क्वायर कर दिया, ठीक है। आप देख सकते हो इसको फास्ट वे में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर मुझे बॉटम कार्ड को डिस्प्ले करना है तो इसको यूज़ कर सकते हैं ये मूव को, ठीक है। मैं मिडल फिंगर से इसको पुश करके इस तरीके से डिस्प्ले भी कर सकता हूँ कार्ड्स को,
ठीक है। तो बहुत सारे इसकी यूटिलिटीज़ भी हैं जो कि आगे मैं सिखाऊंगा आप फ्यूचर वीडियोस में, अगर आप सजेस्ट करेंगे तो मैं आपको बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल तक के सारे मूव्स आप कोशिश करूंगा आपको सिखाने की। तो आपको इस ग्रिप में पकड़ना है, वापस से बता देता हूं, ठीक है। फोर फिंगर फ्री रखना है, थम से लेट गो करना है कुछ कार्ड्स हाफ, ठीक है। फोर फिंगर से पुश करना है, ठीक है, ऑटोमेटिकली पुश होगा। अब इसको ग्रिप करेंगे ऑटोमेटिकली ये वाला जो पाइल है सेकंड पाइल वो नीचे गिर जाएगा। इससे वापस से रीग्रिप करना है, ठीक है, स्लो मोशन में देख सकते हो आप। तो ये था सिंगल हैंडेड कट या वन हैंडेड कट, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हो, नाम से कुछ फर्क पड़ता नहीं है, काम से फर्क है, आपको डिस्प्ले करना है, फ्लरिश करना है। तो आई थिंक ये बेसिक मूव था आज के वीडियो में, मैं आपको सिर्फ यही सिखाना चाहता था। और मेरे चैनल पे और भी सारे ट्यूटोरियल्स हैं, जाके प्लीज चेकआउट करो। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी टाइम स्टैम्प नीचे बता सकते हो कि आपको कौन सा कट पसंद आया। अगर आपको कोई कट प्रोफेशनली सीखना है या फिर आपको इन डेप्थ ट्यूटोरियल चाहिए उस कट पे, तो मैं वो वीडियो भी बना सकता हूँ। तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हो ज़रूर। अगर आपको वीडियो में कुछ भी नया सीखने मिला या फिर नया देखने मिला है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट करो, जिससे कि मैं आगे भी फ्यूचर में ऐसे ऐसे टाइप के वीडियोज़ लाते रहो और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाता रहो जो कि हिंदी लैंग्वेज में होगा। सो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, टिल देन पीस आउट।